एक फ्राइंग पैन में दूध लिया। सो हे गाइस, आप सभी लोगों का हमारे व्लॉग के अंदर स्वागत है। शुद्ध हिंदी। सो अभी से आज से हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे ही की जाएगी। खाते नहीं, मतलब इसी तरीके से खाते दोनों। अच्छा, खा रहे। शुद्ध हिंदी में क्योंकि वी बिलोंग टू राजस्थान। तो राजस्थानी में बोलो ना, हिंदी में क्यों बोल रहे हो? अब वो ज्यादा हो जाएगा फिर। राजस्थानी में इतनी आती नहीं है, हम लोगों को रहते तो हैं। पधारो मारे देश। स्वागत भी एक तरीके से राजस्थानी कल्चर में आ जाता है। सुस्वागत तो संस्कृत का है। ओके, तो ऐसे ही की जाएगी। अब ये हिंदी है जैसा भी है, पर देखते हैं अभी के लिए नहीं, तो यही बोलो पधारो हमारे ब्लॉग में। ये राजस्थानी है। तो फिलहाल के लिए तो यही है, फिर आगे चल के देखते हैं कुछ नया मिलेगा तो। और अभी का सीन ये है, शाम के बज गए हैं 6 और हमारे पास 2 नई रेसिपी हैं, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो मैं कल के व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था तो सैम आया मेरे पास कुछ खिलाने के लिए, मेरे को पहली बार अब खुद से खिलाने के लिए आया। क्योंकि उसने खुद ने बनाया ना इसलिए। अच्छा, तो बताइए सैम क्या खिलाने आया है मेरे को? आइसक्रीम। ये आइसक्रीम है सैम की, देख लो भाई। आधी तो टूट गई, आधी है ना, आधी मैं दोपहर को खा ली, आधी ना फिर ये पिघल गई, फिर इतनी सी बची। तो अभी सो के उठ के आए हो क्या? हाँ। अच्छा, तो अभी सो के उठ के आया है सैम। सो अभी हम सैम से ये आइसक्रीम की रेसिपी पूछेंगे। तो सैम, आपने ये आइसक्रीम आपकी कैसे बनाई, हम लोगों को बताइए। पहले मैंने कूटने होते है ना वो मूसड़। हाँ, मूसड़ नहीं, अमामदस्ता। उसके अंदर बिस्कुट डाला। हाँ। पहले 2 बिस्कुट डाले। कौन से? बाउंस। उसके बाद उनको कूटा। हाँ। फिर ना 2 टाइगर के डाले। हाँ। फिर उनको कूटा। हाँ। फिर 2 बाउंस के डाले। हाँ। उनको कूटा। हाँ। फिर 2 टाइगर के डाले, उनको कूटा। अच्छा, फिर 8 बिस्कुट हो गए। हाँ। ठीक है, और फिर ये बिस्कुट खत्म। फिर उसके बाद है ना, मैंने है ना एक कटोरी में है ना बिस्कुट को डाल लिया। फिर है ना वो थोड़े थोड़े नीचे से बचे हुए थे, फिर मैंने है ना उनको एक एक करके डाला उसमें। फिर वो अच्छे से कूट गए। अच्छा। फिर मैं उनको निकाल लिया। फिर एक ग्लास लिया, उसके अंदर है ना वो सारे डाल दिए। उसके बाद उसके अंदर है ना सुबह का दूध बचा हुआ था ना मीठा वाला, फिर वो डाला उसमें। फिर थोड़ा सा बिना मीठा वाला डाला दूध। फिर मैं उसको है ना घोड़ दिया, मिक्स किया मतलब। हाँ। फिर मैं उसको फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, तो ये आइसक्रीम निकल के आई है जमने के बाद? आई तो बहुत मोटी थी और बड़ी भी थी। अच्छा, इससे पूछो। अच्छा, फिर वो मैंने खा ली। अच्छा, खा ली सैम ने। और पता है रात को खाने के बाद डैडी भी और लगा ली यहाँ पे और सबको दिखा के घूम रहा। एक यहाँ से धार लगाई इसने, एक यहाँ से लगाई, एक और यहाँ टपके जिसके और घूम रहा था ऐसे। अच्छा, मैं बेटा ये क्या हो रहा है? भैया बोलते थे ना मूंछों पे यहाँ पे आज वो दूध लगा, बेटा इसको साफ कर ले। अब बेटा साफ नहीं करे। अच्छा। साफ क्यों करे? हाँ। इसको बताना था कि मैंने आइसक्रीम जमाई है और मैंने खुद ने आइसक्रीम जमाई है और खाई है। अच्छा। और आप लोग मेरे को पूछो कि तेरे यार डैडी में क्या लग रहा है। हाँ, तो लोग मेरे से पूछे ये क्या है, तो मैं बताऊँ की ये आइसक्रीम है जो मैंने खुद ने जमाई है। मेरी पोल खोल दिया आपने। आपने बता दिया होगा कि ये आइसक्रीम दिखाने आया है। तो गाइस, ये थी सैम की चॉकलेट वाली आइसक्रीम की रेसिपी। तो अब बदबू फैला दी किसी ने, ऐसे काम मत करो यार व्लॉग के अंदर। ये सैम का काम। तो गाइस, ये स्मेल इग्नोर कर देना आप लोग, कूलर बंद करने आवाज आएगी व्लॉग में। गर्मी के मारे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सो गाइस, अभी हमने आपको बताई आइसक्रीम की रेसिपी जो की सैम ने बनाई थी। तो अभी हमारे पास है सेकेंड रेसिपी, ओट्स की खीर। ओके, ये है ओट्स की खीर जो कि बनाई गई है नीतू के द्वारा। तो अब आप जो है थैंक यू लोगों को इसकी रेसिपी बताइए प्लीज। हाँ, बतानी पड़ेगी। हाँ। एक लमसम 50 ग्राम। ओके, और उसमें 2 बड़ी स्पून आती है। बड़ी वाली स्पून। हाँ। पहले दूध को गर्म किया। हाँ। उसमें से आधा कप
पानी लिया। बेटी मेरे को आपकी तरफ बोलना नहीं आता, मैं हूँ, मैं कैमरा आई हूँ, पैसे मत बोला। मैं आपकी तरह ना कैमरा फ्रेंकली नहीं हूँ, मैं कैमरा चाहिए हूँ, ये आपको भी पता है। मेरे को बोलने का मत है, मेरे को लगता है कि सब ना मेरे सामने बैठे हैं, जैसे कैमरा मेरे सामने, मेरे को लगता है सब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं। ये बात है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। फिर 50 ग्राम दूध लिया, उसमें आधा कप पानी मिलाया मैंने, उसके बाद थोड़ा सा इधर आया, उसके बाद थोड़ा सा इधर आया, इधर आया। फिर दूध को एक उबाल आने दिया, उसके बाद दो बड़ी वाली स्पून उसमें ओट्स डाल दी, फिर उसको 10-15 मिनट और पकाया, उसमें नहीं, ये तो ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, अब आप लोग ना आप लोग ना कैमरे के सामने आने के लिए ना अपनी बातें खुद ही बना रहे हो ऐसे। फिर उसके बाद मैं क्या किया, खाती मैं, हाँ, उबाल आने दिया, फिर उसमें 10-15 किशमिश डाल दी, फिर 2-3 चम्मच दो क्या 4 चम्मच मैंने उसमें चीनी डाल दी, फिर उसको उतार लिया पकने के बाद में, फिर ऊपर से मैंने बादाम डाल दी। और ये आया इनका फाइनल रिजल्ट, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है मेरे हिसाब से। तो अब ये ओट्स खाते हैं और रिव्यू देते हैं। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, फूंक मार के दिए बस मैंने, बहुत जब तो इनके होंठ लाल हो रहे हैं, टेस्टी है चाचा, जब तो चाची के होंठ लाल हो रहे हैं, देखा ना आपके होंठ नीचे से लिप बाम लगी है बेटा, वो तो नहीं, होंठ लाल हो रहे हैं अंदर से। तो चलो गाइस पहले ओट्स खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या ब्लॉग में सा आ रहा है, कैमरा रख के बोल। अभी तो आप चिल्ला रहे थे, मैं कैमरा देख के चुपके से हुए। हाँ तो मेरे को जो सामान चाहिए वो तो दिला के नहीं ला रहे आप, 11 दिन हो गए आज, टाइम निकला जा रहा है मेरा, रोना भी आ रहा है मेरे को। अभी क्या तुम्हें आंसू देख सकते हो, रोज रोज ऐसे दिन निकाल रहे हो आप, बोले थे आज शाम को दिला के लाऊंगा, वो भी नहीं गए, फिर आप वहाँ जाके बैठ गए दीदी के यहाँ पे, मम्मी को छोड़ के आ जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा मैं, तो जब चलेंगे फिर मार्केट, मम्मी को छोड़ के आने के बाद में, फिर भी आए नहीं आप तो 5-6 बजे तक, मैं 3-4 घंटे की नींद पूरी करके भी उठ गई। ये क्या हो रहा है, रो भी रहे हो, खा भी रहे हो, व्हाट इज दिस, मैं अपने रोने को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ओट्स खा के मैं ध्यान डाइवर्ट करके। अच्छा, रोना तो आ रहा है आपको, आ नहीं रहा कि मैं उठी तो मेरे को यही बात याद आई थी स्टार्टिंग में, जब तक तो कोई काम नहीं होता मेरे को वही बात मेरे माइंड में घूमती रहती है, कौन सी बात, मैं को मार्केट नहीं लेके गई हूँ। अच्छा। कैमरा बंद करने के बाद बोला था स्टार्ट कर भी बैठ गए ऐसे। बताओ कब लेके जाओगे, अब तो कैमरे के सामने की बात है, प्रोमिस पूरा करना पड़ेगा, 11 दिन हो गए आपको प्रोमिस करते हुए। कल भी जाके आए थे पर कल बोले नहीं शाम को तो मिलेगा ही नहीं, वो मतलब मार्केट खुला नहीं रहेगा वो वहाँ का, रमजान चल रहे हैं चले गए होंगे, क्योंकि वो उन्हीं के पास मिलेगा जिस सामान मेरे को चाहिए, अब मैं बताऊंगी नहीं मेरे को क्या सामान चाहिए। रमजान की वजह से मार्केट जल्दी बंद हो जाता है। तो ठीक है गाइस, इनका तो चलता रहेगा, अपन लोग ओट्स खाते हैं और मजे करते हैं। या तो रो लो या खा लो, दोनों काम। ये क्या बात है, मेरे को इस पे गुस्सा तो ना है, तो गुस्सा तो आपसे है ना, मेरे को किससे, आपसे, क्यों, मैंने क्या किया, आप मेरी बात नहीं मान रहे 10-11 दिन से। अच्छा, बात नहीं मान रहे, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है, तो
क्या हो रहा है कोर्स का। सो गाइज वो लोग तो चले गए हैं और मैं अब मेरी एडिटिंग फिनिश करता हूँ और साथ में अपन करते हैं थोड़ा सा नाश्ता, जो कि शाम को कर रहा हूँ। देख लो 6 बजे भूख लग रही थी तो ये ओट्स खाते खाते अपन फिनिश करते हैं एडिटिंग, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइज अभी बज गए हैं 8:00 और मेरा जो कल का व्लॉग था वह एडिट हो गया है। तो मैं 5 बजे बैठ गया था व्लॉग एडिट करने और अभी बज गए 8। देखो पूरे 3 घंटे लग गए मेरे को व्लॉग एडिट करने में कल वाला, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो ये व्लॉग आएगा तब तक तो आप उस व्लॉग को देख चुके होंगे। अभी मैंने एक्सपोर्ट पे लगा दिया है तो अभी थोड़ी बहुत देर में एक्सपोर्ट हो जाएगा, फिर मैं उसको लगा दूंगा अपलोडिंग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम क्योंकि 8 बज गए हैं और मैं जिम 8 बजे जाता हूँ। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो नीतू ने की है। क्या किया है आपने? काजल बना रहे हैं। कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये काजल बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये बत्ती बनाई थी हमने नीम के फूलों के रस की। अच्छा। और उसमें रस में 4-5 बादाम डाली थी। अच्छा। एक इलायची डाली थी। हाँ। और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। हाँ। फिर उनका पेस्ट बना लिया, मतलब लिक्विड वाला। हाँ। और उसको उसमें रुई की बत्ती बना के उसको भिगो दिया। हाँ। और फिर एक दिया भर के तेल का। हाँ। उसको बत्ती को सुखा दिया 2-4 दिन तक। हाँ। धूप में। हाँ। फिर सुखाने के बाद में फिर आपके सामने है। क्या? सुखाने के बाद फिर दिया भरा तेल से। हाँ। सरसों के तेल से। हाँ। और ये ऐसा सेटअप बना के काजल बना रहे। तो अब इसमें काजल बनेगा कैसे ये बताओ? ये तो एक प्लेट रखी हुई है ना, ये प्लेट ना। हाँ। इस प्लेट पे जम जाएगा जो उस लो से जो धुआं निकल दिए ना। हाँ। वो ब्लैक ब्लैक। हाँ। वो उस प्लेट पे जम जाएगी सारी। अच्छा। हाँ। फिर उसको उतार के। हाँ। जो काजल बनता है लो से, जो ये काजल बन रही है धुआं से, ये जो भी कार्बन निकल रहा है क्या निकल रहा है इसमें से, उसको निकाल लेंगे फिर एक डिब्बी भी में। हाँ। फिर उसमें गुलाब जल डाल के काजल बना लेंगे। अगर आप सूखा यूज़ करना चाहते हो तो सूखा डाल लो। हाँ। अगर आप गीला काजल यूज़ करना चाहते हो तो उसमें गुलाब डाल लो। अच्छा ऐसा है क्या? सो गाइज ये सिस्टम है। तो आज में हम लोगों ने आप लोगों को 3 चीज़ों की रेसिपी बताई। पहली रेसिपी चॉकलेट वाली आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, वो भी बिस्किट से। दूसरी वो भी एक छोटे शेप में बनाई थी। और दूसरी रेसिपी थी ओट्स की। और तीसरी जो रेसिपी बोले क्या बोले इसको, होममेड काजल उसकी रेसिपी बताई है इन्होंने, जो कि देसी के लिए काफी अच्छा भी रहता है। हाँ, देसी नुस्खा काजल बनाने का, जो शायद बाहर जो काजल मिलता है उससे तो बढ़िया ही रहेगा। क्यों? है ना, उससे तो अच्छा। और यहाँ पे एक स्मेल सी आ रही है जलने की कुछ, तो एक बार दिखाओ ना ये प्लेट। नहीं हटा नहीं सकते यार, वो एक उसपे एक टोटका भी किया गया है। अच्छा, उसको हटा नहीं सकते हम। ये लो, इस पे एक टोटका। हाँ, भी कर दिया किसी के नाम से हमने, ये काजल उपाड़ा है तो ये सुबह पता चलेगा आपको। क्या पता चलेगा इसमें? ये बात ओपन करने की भी नहीं है। नहीं बताओ, क्या पता चलेगा? ओपन नहीं करते। चलो ठीक है, कल देखते हैं, कल पता चल जाएगा क्या होता है। हाँ, और कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। अभी जा रहा हूँ मैं जिम। मैं भी जा रही हूँ फोटो बनाने के लिए। ठीक है चलो चलते हैं, तो फिर जिम से आके कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। फिक्स 8 बज गए, मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, बहुत लेट हो गया। सो गाइस अभी आ गया हूँ जिम से वापस और टाइम हो गया है 10 बज गए। जिम में काफ़ी लेट हो गया, आज 8:15 बजे चला गया था। और अभी मैं ले रहा हूँ अपनी डाइट, तो कूलर में भर रहा हूँ पानी भर लेते हैं और डाइट ले लेता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे जल्दी। सो गाइस अभी 12:00 बज गए और मैंने जो वीडियो थी वो अपलोड कर दी है और शेड्यूल कर दिया है कल सुबह मॉर्निंग के लिए, तो कल सुबह आ जाएगी 8:15 o'clock। अभी का सीन ये है कि अभी मुझे ये वाला व्लॉग एडिट करना है, तो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।